फ्रंट नेक। अब हम फ्रेम के साथ साथ फैब्रिक को कॉर्नर पे अच्छे से फोल्ड करेंगे। कॉर्नर अच्छे से फोल्ड होने चाहिए। अब हमने जिस पे फ्रेम लगाया है उस फैब्रिक को शर्ट के पीस के ऊपर क्रीज पे क्रीज रखकर पहले सेंटर में स्टिच करेंगे। अब हम फ्रेम के साथ साथ जैसे शेप है वैसे वैसे स्टिचिंग करेंगे। कॉर्नर अच्छे से फिनिश हो। अब हम कट्स लगाएंगे, अच्छे से फिनिशिंग नेक पे आ जाए और अच्छे से निकल जाए। अब हम इस नेक को काटेंगे और इसके साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे, टॉप सीम करते जाएंगे।